एवरीवन, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। मैं जा रही हूँ आज शादी में, तो मैं वहाँ जाने की पूरी तैयारी कर रही हूँ। काम वाम करके मैं फिनिश हो गई हूँ और कनिष्का अपने डैडी को आज फादर्स डे है तो विश कर रही है, और हम लोग अब निकल चुके हैं वहाँ जाने के लिए। हम जिस शादी में जा रहे हैं, मेरे मायके वाले घर के सामने इनकी बहन रहती हैं तहेरी, उनके बेटे की शादी है, तो मैं वहाँ पर जा रही हूँ। और आज वहाँ पर मंडप है, ये देखिए, ये नटराज हॉल है, यहाँ से ये कैंट में पड़ता है। और ये देखना, यहाँ पर जवानों की बहुत अच्छी मूर्ति बनी हुई है, ये और बहुत सुंदर मूर्तियाँ हैं, ये अच्छा लगता है इनके पास से जाते हुए पर। और ये देखो, हम आ गए हैं शादी वाले घर में। यहाँ पूड़ियाँ बेल रही हैं, मेरी भाभी हैं, ये पूड़ी बेल रही हैं, और मेरी दीदी हैं, ये दोनों मेरी जिठानियाँ हैं। कन्नो बैठी हुई है, ये भी इधर बैठी हुई दीदी है, ये भी दीदी हैं। सारे लोग मिलकर यहाँ पूड़ियाँ बेल रहे हैं। आज मंडप है यहाँ, तो इसकी तैयारी चल रही है। यहाँ पर ये लोग खाना खा रहे हैं। हाय गाइस, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। मैं आ चुकी हूँ शादी वाले घर में, और मेरे ठीक सामने वाले घर में, मेरे मायके में, वहाँ पर शादी है। और मैं अब जाऊंगी थोड़ी देर में दूल्हे के मेहंदी लगाने के लिए, और जो भी मैं केक बनाऊंगी तो मेहंदी की मैं इसमें डालूंगी, और जो जो शादी में होगा वो भी सब मैं इस पर अपनी वीडियो में डालूंगी। और पीछे वाली आवाजों पर ध्यान ना दे, बैकग्राउंड में बच्चे बातें कर रहे हैं, मेहमान आए हुए हैं घर में बहुत सारे, तो छोटे छोटे बच्चे बातें कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी उसके साथ। और मैं आ गई हूँ मेहंदी लगाने के लिए, दूल्हे के हाथ पे मैं लगा रही हूँ और भाभी लगा रही हैं, एक एक हाथ पे हम दोनों मेहंदी लगा रहे हैं। और मैं अपनी मेहंदी कंप्लीट करते हुए, लड़की का नाम एन से है तो मैंने इसके हाथ पे एन लिखा है, और लड़के का नाम जी से है तो भाभी ने देखिए जी लिखा है। ये लड़का देखिए बहुत अच्छी ढोलक बजाता है, मेहंदी भी लगा लेता है और गाना भी गा लेता है। ये एक कला है, और देखिए इसको बखूबी ढोलक बजानी आती है भाभी। अब देखो मेहंदी अभी भी लगा रही हैं, दीदी लोगों के हाथों पे मेहंदी लगा रही हैं, और उसकी ढोलक बजाते हुए देख सब बहुत खुश हैं। अब यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं मंदिर में, यहाँ पर कुआं है तो आज रात कुआं पे पूजन होगा। लड़के की माँ यहाँ पर थापे लगाती है, कुएँ की पूजा करती है यहाँ पर। और देखिए मंदिर में भागवत कथा हो रही थी, बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ था। हम लोग बिल्कुल सही टाइम पे पहुँचे थे, यहाँ पर ये अपनी पूजन कर रही थी और यहाँ भागवत कथा हो रही थी। बहुत भीड़ थी वहाँ पर, काफ़ी बड़ा मंदिर है ये, इसमें काफ़ी भीड़ थी। और पंडित जी देखिए भागवत कथा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये देख कर। और ये देखिए हल्दी लगा रही हैं कुएं पर, आज भी पूजा हो रही है और कल जब बारात जाएगी तब भी कुआं का पूजा की जाएगी, पूजन होगा। और इतना मगन हो गए थे ये अंकल पंडित जी के भजन से कि खुद उठकर डांस करने लगे। और कहते हैं कि भगवान के दरबार में तो वैसे भी नाचना चाहिए, भगवान के दरबार में जो नाचता है तो वो जमाने भर में किसी के आगे नहीं नाचता है, तो मंदिर में जब भी भागवत कथा हो तो नाच लेना चाहिए। और यहाँ पर हमारा पूजन हो रहा है, और अब हम लोग यहाँ से जाएंगे मंदिर से, और सारे लोग जो हैं वो पैसे से अपने कथा में चढ़ा रहे थे, जो भी जिसकी जैसी श्रद्धा थी वैसे। और ये बहुत ही बड़ा बट का वृक्ष है यहाँ पर, और ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये हनुमान जी का मंदिर है,
शिव मंदिर में ये शनिदेव की मूर्ति लगी हुई है, यहाँ पर माता रानी की भी है, बहुत ही बड़ा मंदिर है ये, अच्छा मंदिर है। हम घर आ गए हैं, यहाँ पर भात बनाया जा रहा है, और ये माता जी देखो पहले भात पहनेंगी, उसके बाद लड़के के पापा, लड़के की मम्मी, ये हमारी ससुराल से भात आया है, हमारी जिठानी जी लेके आई हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए,